हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू वेबकैम। इन दिस सेशन में हम देखने वाले पाइथन के कुछ स्पेशल मेथड्स। ओके, द मेथड्स आर मेथड में मेथड मतलब फंक्शंस। ओके, तो हम देखने वाले हैं थ्री फंक्शंस टुडे। मैप, दीज आर द बिल्ड इन फंक्शंस, राइट? दीज आर द बिल्ड इन फंक्शन मैप, देन रिड्यूस रिड्यूस एंड फिल्टर। सो हाउ दिस मेथड्स वर्क्स, राइट? दिस ऑल थ्री मेथड्स टेक्स फंक्शन एज अ फर्स्ट पैरामीटर, फंक्शन एज अ फर्स्ट पैरामीटर, ऑल थ्री फंक्शंस। ओके, एनी काइंड ऑफ फंक्शन, इट इज इधर बिल्ड इन फंक्शन, और हम कह सकते हैं मतलब जो ना जो पाइथन में ऑलरेडी बिल्ड इन फंक्शन है वो भी यूज कर सकते हैं, या फिर हम खुद के लिखे हुए फंक्शंस भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। एंड इट इट एक्सेप्ट मतलब ये तीनों मेथड, सेकंड पैरामीटर जो होता है ना वो इनको एज ए इटरेबल चाहिए। एक इटरेबल, इटरेबल कौन से हैं हमारे पास? तो हमारे पास स्ट्रिंग इटरेबल है, देन लिस्ट इटरेबल है ना, देन डिक्शनरी हमारी इटरेबल है, टपल इटरेबल है। तो दिस टाइप ऑफ डेटा शुड बी एज अ सेकंड आर्गुमेंट। तो यहाँ पे मतलब एक लिस्ट या फिर हम कह सकते हैं इटरेबल 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 नॉट इटरेटर, ओके, इटरेबल। सो ये थ्री मेथड्स किस तरह से काम करते हैं इनको हम वन बाय वन समझ लेते हैं। ओके, सो फर्स्ट मेथड हम यहाँ पे देखते हैं मैप में। ओके, व्हाट इज द मैप मेथड, है ना? मैप, तो इसमें हम कैसा फंक्शन मतलब है ना, मैप मेथड जो होता है ना, एक इसमें बैकएंड में इस तरह से उसको डिजाइन किया गया है कि इसमें अगर हम एक लिस्ट एक कोई भी इटरेबल अगर पास करेंगे तो वो इटरेबल को बाय डिफॉल्ट वन बाय वन अनपैक करके एज एन आर्ग्यूमेंट ऑफ अनदर फंक्शन पास कर लेते हैं, एज एन आर्ग्यूमेंट ऑफ अनदर फंक्शन पास कर लेते हैं। ओके, तो किस तरह से ये काम करता है ये देखना है। तो मतलब इटरेट करता है बाय डिफॉल्ट, मतलब इसको बैकएंड इस तरह से डिजाइन किया गया है, इटरेट करता है 1 2 3 4, ये जो है ना ये नंबर जो है ना इनको अनपैक कर देता है, इनको हम कह सकते हैं अनपैक मतलब है ना। जिस तरह से हम लूप लगाते हैं, लूप यूज करते हैं, सपोज मुझे सारे नंबर्स का स्क्वायर चाहिए, राइट? तो मैं कैसे लिख सकता हूँ फॉर आई इन, ये हमने देखा है फॉर आई इन रेंज ऑफ एल, राइट? और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ रिटर्न, रिटर्न भी चलेगा, या फिर प्रिंट फंक्शन इज गोइंग टू रिटर्न। ओके, फॉर लूप में हम रिटर्न एज सच नहीं करेंगे, तो यहाँ पे रिटर्न, ओके, रिटर्न में आई आई इंटू आई आई इंटू आई, इस तरह से हम रिटर्न करेंगे। और इफ वी रन दिस कोड, ओके, सो व्हाट इट सेज, लिस्ट ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी इंटरप्रेटेड एज एन इंटीजर, रेंज फंक्शन में हमें, ओके, हमें रेंज यूज करने की जरूरत एज सच है नहीं, हम डायरेक्टली लिस्ट यूज करते हैं। अगर रेंज यूज ही करना है तो रेंज ऑफ लेंथ ऑफ एल मुझे लेना चाहिए था, एंड यहाँ पे अगर इस तरह से लिखता हूं तो मैं, और यहाँ पे मुझे एल ऑफ आई इनटू एल ऑफ आई इस तरह से लिखना होगा, एंड दिस विल गिव मी द सेम रिजल्ट, राइट? इस तरह से सेम रिजल्ट मिलेगा, इस तरह से मुझे सेम रिजल्ट मिलेगा। तो अगर सेम थिंग मुझे अचीव करनी है, सेम थिंग मुझे अचीव करनी है, एक ऐसे मतलब है ना मेरे पास 100 लिस्ट है, तो सारी मतलब है ना अगेन एंड अगेन मुझे इस तरह से लिखना होगा हर एक लिस्ट के लिए, हर एक लिस्ट के लिए इस तरह से भी लिख सकते हैं। इट डिपेंड्स, ओके, हम कैसे लॉजिक लगाते हैं उसके ऊपर डिपेंड है। प्रोग्रामिंग में बहुत तरह से एक सेम आउटपुट को अचीव किया जा सकता है।
ये नहीं यार, इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, एंड प्रिंट आई इनटू इनटू आई मीन ओके, इस तरह से भी हम अचीव कर सकते हैं स्क्वायर को, इस तरह से भी हम स्क्वायर को अचीव कर सकते हैं। देखो यहाँ से नीचे सेकंड वाला जो इटरेशन है इस, बट इस तरह से अगर लिखेंगे, अगर ऐसा मेरे पास मतलब है ना, सपोज 100 100 लिस्ट है और मुझे सबके लिए इस तरह से लिखना होगा, तो इट इज टाइम कंज्यूमिंग, इट इज टाइम कंज्यूमिंग। तो इसके लिए ना मैप फंक्शन एक फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है, इसके लिए मैप फंक्शन फंक्शन का यूज ही होता है कि रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड बनाने बढ़ाने के लिए। तो हम एक डिफाइन फंक्शन करते हैं, कोई भी फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं, स्क्वायर, एंड स्क्वायर इसके अंदर एक एन करके एज एन एक सिंगल पैरामीटर जाता है, सिंगल पैरामीटर जाता है, एंड दिस फंक्शन इज गोइंग टू रिटर्न मी एन इनटू एन स्क्वायर, राइट। तो इस तरह से एन स्क्वायर, बट इज एन, एन को तो हम पास करने वाले, एन एन को एन मतलब एक इंटीजर वैल्यू होगा कोई भी वाला, तो यहाँ पे इस लिस्ट में से वैल्यू होंगे। ओके, तो इसको किस तरह से स्टोर करना है, एक्स इज इक्वल टू सॉरी नॉट एक्स, एक्स इज इक्वल टू मैप। अब अगर आपने मैप लिखा तो आपको फर्स्ट फंक्शन देना होगा, फर्स्ट फंक्शन कौन सा फंक्शन है, बस उसका नेम देना है। ओके, एंड आपको इटरेबल कौन सा है ये रिटर्न करना है, और आप इसको रन करते हो तो आपको कुछ एरर आया नहीं आया, एरर नहीं आया मतलब कोड हमारा सक्सेसफुली रन हो रहा है। और अगर मैं इसको प्रिंट करता हूँ तो ये हमें एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा, मैप ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। ये देखो यहाँ पे मैप ऑब्जेक्ट है, मेमोरी लोकेशन दे रहा है, और हमें मैप ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, मुझे लिस्ट चाहिए। ओके, तो मतलब मैप जो होता है ना, मैप फंक्शन क्या करता है, मैप फंक्शन क्या करता है, जो भी आपको ऑपरेशन करना है, जो भी आपको फंक्शन रन करना है, ओके, उस फंक्शन को एज एन फर्स्ट आर्गुमेंट ले लेता है, उसके बाद जो भी हमारा इटरेबल है, जो भी हमारा इटरेबल है उसको यहाँ पे एज एन सेकंड आर्गुमेंट ले लेता है, वो ऑपरेशन परफॉर्म करके जो एक्स है ना, जिस वेरिएबल में हमने ये सारा ऑपरेशन परफॉर्म किया है, उस एक्स में वो एज एन सीक्वेंस, सीक्वेंस बोले थे लिस्ट है ना, ये एक सीक्वेंस है 1 4 9 16, एक सीक्वेंशियल डेटा है, एक सीक्वेंस में डेटा है, तो एक सीक्वेंस है कि ट्रिपल फॉर्मेट में डेटा को सेव कर देता है, और हमें उसको बस इस तरह से लिस्ट लिखना है, इस तरह से लिस्ट लिखना है। ओके, एंड लिस्ट फंक्शन अगर आप यूज नहीं करोगे तो आपको एक सिर्फ मैप ऑब्जेक्ट और मेमोरी लोकेशन रिटर्न होगा, इस तरह से मैप फंक्शन काम करता है। मैप इज ऑलवेज गोइंग टू रिटर्न यू द वन लिस्ट, मैप इज ऑलवेज गोइंग टू रिटर्न यू द वन लिस्ट, राइट। इस तरह से एक ऑपरेशन हो गया। अगर आपको यहाँ पे मतलब कोई और ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो भी कर सकते हैं, तो भी हम ऑपरेशन मतलब है डिपेंड्स क्या सिचुएशन है उसके ऊपर। ओके, स्ट्रिंग को कॉन्कैटेनेशन भी कर सकते हैं यहाँ पे, है ना, डेटा टाइप कन्वर्ट भी, टाइप कास्टिंग भी कर सकते हैं, जो भी मेरा ये डेटा है, जो भी मेरा ये डेटा है, ये मुझे नंबर फॉर्मेट में नहीं, मुझे टेक्स्ट फॉर्मेट में चाहिए होगा, तो मुझे कैसे करना होगा, मुझे बस यहाँ पे टाइप कास्टिंग यूज करना होगा, एंड इस तरह से लिखना है बस, और रन कर दो, आपको सारे नंबर्स टेक्स्ट फॉर्मेट में मिलेंगे, स्ट्रिंग फॉर्मेट में मिलेंगे। तो इस तरह से हम जो भी हमारा फंक्शन होगा, जो भी एक्सपेक्टेड है ना फंक्शन का आउटपुट होगा, उसके अकॉर्डिंग हम फंक्शन डिफाइन करके रखेंगे और उसको मैप में पास करेंगे। तो अगर मुझे ऐसे 100 भी लिस्ट का स्क्वायर चाहिए होगा ना, तो भी मुझे मतलब है ना दो दो बार ना फॉर लूप या फिर कोई और फंक्शन लिखने की जरूरत नहीं है, मैप फंक्शन में मैं सिंपली फास्ट पास कर सकता हूँ, और एक सेम फंक्शन जो हमने एज एन स्क्वायर डिफाइन किया है, उस फंक्शन को हम यूज कर सकते हैं, हम उसको यूज कर सकते हैं। ओके, बस उसको आपको इस तरह से प्रिंट करना है, और अगर इस तरह से प्रिंट हमें नहीं करना है तो भी हम इसके लिए सिंगल लाइन में कोड लिख सकते हैं, सच कुछ ये नहीं कि मतलब इस तरह से लिखा जाए, उसको एक वेरिएबल में स्टोर किया जाए, उसको हम प्रिंट में डायरेक्टली लिख सकते हैं प्रिंट, बट ये मैप जो है ये एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करने वाला है, इसलिए उसको अगेन एक लिस्ट में डालेंगे, एंड देन रन, इट विल गिव द सेम रिजल्ट, है ना। इस तरह से मैप फंक्शन, मैप फंक्शन क्या होता है, मैप फंक्शन हमने देखा, मैप फंक्शन जो होता है हमेशा
रिटर्न करता है लिस्ट, ओके लिस्ट ऑफ रिजल्ट, लिस्ट ऑफ रिजल्ट ये रिटर्न करता है, और इट एक्सेप्ट फर्स्ट पैरामीटर एज एन फंक्शन, ओके फर्स्ट पैरामीटर एज एन फंक्शन, सेकंड पैरामीटर एज एन इटरेबल, इटरेबल 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 राइट, इस तरह से मैप फंक्शन काम करता है, इस तरह से मैप फंक्शन काम करता है। तो जिस तरह से मैप फंक्शन हमें एक लिस्ट रिटर्न करता है, हमें एक लिस्ट रिटर्न करता है, ओके व्हाट एवर द ऑपरेशन परफॉर्म करके, उसी तरह रिड्यूस मेथड होता है, नेक्स्ट हमारा मेथड आता है रिड्यूस मेथड राइट। तो रिड्यूस मेथड क्या करता है, रिड्यूस मेथड हमारे लिए एक सिंगल वैल्यू रिटर्न करेगा, सेम आर्गुमेंट देगा, फंक्शन एज एन फर्स्ट फंक्शन एज एन आर्गुमेंट, बट वो क्या करेगा, वो हमें एक लिस्ट रिटर्न नहीं करेगा, ओके ट्रेबल नहीं रिटर्न करेगा, वो हमें रिटर्न करेगा एक सिंपल सिंगल वैल्यू, सिंगल वैल्यू, इट इज गोइंग टू रिटर्न अ सिंगल वैल्यू। तो अगर हमें सम करना है राइट, तो मेरे पास लिस्ट है और लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन यहाँ पे यूज करता हूँ मैं एक्स फॉर एक्स इन इन रेंज ऑफ राइट इन रेंज ऑफ 1,11, 1 to 10 के बीच में मैंने लिस्ट बनाया है, ओके इसका आउटपुट आपको किस तरह से दिखेगा, प्रिंट एल सर, ये देखो यहाँ पे 1 to 10 सिंपली सिंगल हमने लिस्ट बनाया, और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे हम रिड्यूस मेथड यूज करके इसका रिजल्ट ले, तो मैं एक फंक्शन डिफाइन करूंगा, डिफाइन एंड सम नाम का फंक्शन, सम वन नाम का फंक्शन ऑलरेडी पाइथन में सम नाम का फंक्शन है, और इसमें इसमें ए एंड बी इस तरह से दो पैरामीटर पास करेंगे राइट, इसमें दो पैरामीटर अगर पास करेंगे और रिटर्न क्या करेंगे, रिटर्न सम लेना है तो ए प्लस बी, ओके इस तरह से, देन एक्स इज इक्वल टू, मैं अगर रिड्यूस मेथड यूज करता हूँ, रिड्यूस मेथड में मुझे अगेन फंक्शन देना है, कौन सा फंक्शन, सम वन देना है, एंड देन कॉमा करके मुझे लिस्ट को पास करना है राइट, देन यहाँ पे प्रिंट, अब जाके यहाँ पे हमें लिस्ट यूज करने की जरूरत है नहीं, क्यों, क्योंकि ये रिड्यूस जो है, रिड्यूस जो मेथड है, रिड्यूस जो फंक्शन है, ये फंक्शन हमें एक सिंगल वैल्यू रिटर्न करने वाला है, इट इज नॉट गोइंग टू रिटर्न अ सीक्वेंस ऑफ रिजल्ट, है ना, लिस्ट रिटर्न नहीं करने वाला, तो इस तरह से ये हमारा रिड्यूस मेथड काम करने वाला है, बट रिड्यूस मेथड डायरेक्टली आपको पाइथन में नहीं मिलेगा, पाइथन का एक मॉड्यूल है फंक्शन टूल कर, फंक टूल कर, फंक टूल्स फ्रॉम फंक टूल्स इंपोर्ट रिड्यूस, इस तरह से आपको लिखना होगा, इस तरह से रिड्यूस मेथड को इंपोर्ट करना होगा, एंड देन यू आर एबल टू यूज द सेम मेथड इंसाइड ऑफ दिस ब्लॉक, इस तरह से ये रिड्यूस मेथड काम करता है। तो मैप क्या करता है, मैप हमारे लिए एक लिस्ट को रिटर्न करता है, एक लिस्ट को एक इटरेबल को लेके इटरेबल ही रिटर्न करता है, इटरेबल ही रिटर्न करता है, रिड्यूस क्या करता है, एक इटरेबल को लेके एक सिंगल वैल्यू रिटर्न करता है इंटीजर में, अगर इंटीजर रहेगा इंटीजर में, यहाँ पे टेक्स्ट रहेंगे तो टेक्स्ट की अगर रहेंगे तो यहाँ पे कॉन्कैटिनेशन होगा, तो चलिए देखते हैं टेक्स्ट यहाँ पे एंटर करके, एंड ए कॉमा बी देन कॉमा सी, हाँ इस तरह से बस इतने ही लिखेंगे, कितने भी होंगे तो ये देखो ये कॉन्कैटिनेशन करके हमें देगा, स्ट्रिंग के साथ भी रिड्यूस मेथड काम कर रहा है, बट इट विल रिजल्ट एज अ सिंगल वैल्यू, इट विल गिव अस रिजल्ट और रिटर्न एज अ सिंगल वैल्यू। सिमिलरली जिस तरह से मैप हमें मैप करके ऑब्जेक्ट्स को मैप करके उसका जो भी आउटपुट होगा वो रिटर्न करता है एज एन लिस्ट आई मीन सिक्वेंस, यहाँ पे रिड्यूस हमें सिंगल वैल्यू रिटर्न करता है। सिमिलरली फिल्टर मेथड जो होता है ना, फिल्टर मेथड, तो ये फिल्टर भी हमारे लिए सेम काम करता है, फिल्टर भी हमारे लिए सेम काम कर लेता है, बट फिल्टर जो होता है ना, फिल्टर इज नॉट गोइंग टू परफॉर्म एनी ऑपरेशन, एनी ऑफ द ऑपरेशन ऑन अ डेटा, आप सम भी नहीं करोगे और ना इधर स्क्वायर करोगे, आप बस फिल्टर फिल्टर लगाने के लिए, मतलब इसमें से कौन से कौन से जो हमारी ऑलरेडी लिस्ट है उसमें से कौन से डेटा को मुझे लेना है, फिल्टर लगाना है, फिल्टर लगाना है, मतलब कंडीशन लगाने के लिए राइट, कंडीशन लगाने के लिए हमें जिस तरह से हम इफ एल्स यूज करते हैं ना उसी तरह कंडीशन लगाने के लिए यहाँ पे फिल्टर मेथड यूज किया है। तो सपोज अगर मुझे इसमें से सम सम वैल्यू चाहिए राइट, सम वैल्यू चाहिए तो मैं लिख सकता हूँ
for I in a, for I in a L, right? If I mod 2 equal to 0, प्रिंट आए, और ये मुझे क्या रिटर्न करेगा, सम वैल्यू। मुझे अगर सेम रिजल्ट चाहिए, मुझे अगर सेम रिजल्ट चाहिए ना, तो मुझे फिल्टर मेथड यूज करनी है। फिल्टर मेथड फिल्टर लगाने के लिए, कंडीशंस लगाने के लिए। ओके, बट इस तरह से लिखने की जरूरत नहीं है। फॉर एक्स, सो वी कैन राइट फिल्टर हियर, एंड फिल्टर मेथड अगेन एक्सेप्ट फंक्शन एज अन अनदर फंक्शन। ओके, तो यहाँ पे हमें मतलब है ना, फंक्शन एज एन आर्ग्यूमेंट, फंक्शन एज एन आर्ग्यूमेंट, राइट? तो मुझे एक फंक्शन यहाँ पे दे, यहाँ पे एक फंक्शन दे रहा है, तो हम किस तरह से फंक्शन दे सकते हैं, है ना? एक साइड में फंक्शन डिफाइन करके भी दे सकते हैं, और एक फंक्शन हमने देखा था, और एक फंक्शन हमने देखा था, राइट? फिल्टर है, फिल्टर मेथड है, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं फिल्टर। और मतलब फंक्शन फंक्शन लिखना है, तो डिफाइन डिफाइन एंड फिल्ड करके अगर एक मैं फंक्शन डिफाइन करता हूँ, और इसमें एक सिंगल वैल्यू पास कर देता हूँ, एंड जिस तरह से हमने कोड लिखा था अभी, फॉर आई, ओके, नॉट आई, अगर यहाँ पे हम कहेंगे इफ एन मॉड टू इक्वल टू 0, एंड नॉट प्रिंट, दिस विल रिटर्न रिटर्न यन। ओके, इस तरह से हमें फंक्शन लिखना होता है। इस तरह से एक फंक्शन, एक फिल्टर लगा के, कंडीशंस लगा के हमें फंक्शंस लिखना होता है, राइट? एंड यहाँ पे आपको बस फिल्ट पास करना है, एंड देन इटरेबल को पास करना है, और इसको रन करिए, आपको कोई एरर नहीं आया, तो हमें प्रिंट करना होगा एक्स को, और इसको रन करते हैं, तो एक फिल्टर ऑब्जेक्ट मिलता है हमें, फिल्टर ऑब्जेक्ट मिलता है। तो अगेन मतलब फिल्टर करके हमें डेटा मिल रहा है, फिल्टर करके डेटा मिल रहा है, मतलब सिंगल वैल्यू नहीं है यहाँ पे, मुझे रिड्यूस मेथड की तरह यहाँ पे सिंगल वैल्यू नहीं है, तो मुझे यहाँ पे भी लिस्ट यूज करना होगा, लिस्ट ऑफ एक्स, एंड राइट। तो देखो यहाँ पे मुझे इवन वैल्यूज मिल रहे, इवन वैल्यूज मिल रहे। सिमिलरली हम इस तरह से फंक्शन ना लिखते हुए, यहाँ पे अगर हमें फंक्शन पास करना है, तो फंक्शन का और एक टाइप हमने देखा है, मोस्ट पावरफुल फंक्शन हमने देखा है पाइथन में, लैम्बडा फंक्शन, राइट? उसको भी हम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने इस तरह से लिखा है, तो मुझे यहाँ पे ये वाला फंक्शन यूज नहीं करना है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं लैम्बडा। ओके, एंड लैम्बडा, और इस तरह से लैम्बडा फंक्शन को डिफाइन करने के बाद, उसको इनिशियलाइज करने के बाद, हमें क्या चाहिए, हमें एक इटरेबल डिफाइन करना है, एक्स एंड एक्स रेस्टेड टू, इस तरह से भी लिखेंगे तो ये हमें सेम रिजल्ट देगा। यहाँ पे देखो, वी आर गेटिंग द स्क्वायर ऑफ दिस लिस्ट, राइट? वी आर गेटिंग द स्क्वायर ऑफ दिस लिस्ट। सिमिलरली यहाँ पे भी लैम्बडा फंक्शन यूज कर सकते हैं, यहाँ पे भी लैम्बडा फंक्शन किस तरह से यूज करना है, तो हम कहेंगे लैम्बडा, ओके, लैम्बडा एक्स, स्पेलिंग एरर, लैम्बडा एक्स, यहाँ पे दो आर्गुमेंट हमें लेने हैं, क्योंकि ये एंड बी लेना है, तो चलिए ए एंड बी, एंड इट इज गोइंग टू रिटर्न अस ए प्लस बी, तो इस तरह से ये काम करेगा। एंड यहाँ पे मैं रन करता हूँ, तो फिर से मुझे ए बी सी मिल रहा है, और अगर मैं यहाँ पे लिस्ट पास करता हूँ 1 to 10 का हमें पता है, फॉर एक्स ये ना, इन रेंज ऑफ 1 to 11, सो ये मुझे 1 to 10 के बीच का सम रिटर्न करेगा। सिमिलरली हम यहाँ पे भी लैम्बडा फंक्शन यूज कर सकते हैं फिल्टर लगाने के लिए, और फिल्टर लगाने के लिए लैम्बडा फंक्शन किस तरह से यूज करना है, तो लैम्बडा, राइट, लैम्बडा हमने लिखा, और यहाँ पे एक ही वैल्यू को लेना है, देन एक्स मॉड बाय 2 इक्वल टू 0, और यस, दिस इज गोइंग टू गिव मी द सेम रिजल्ट। देखो हमें यहाँ पे सेम रिजल्ट मिला है इस मेथड के साथ भी, और इस तरह से लिखने थे हमें, आफ्टर ऑल रिजल्ट सेम ही लेना है, बट कौन से मेथड से, और जो ऑलरेडी बिल्ड इन मेथड से जो हमें सारी चीजें सिंप्लीफाई करके दे रहे हैं, सिंप्लीफाई करके दे रहे हैं, उसको यूज करना, उसको बस यूज करना है। ओके, तो इस तरह से मैप, रिड्यूस एंड फिल्टर फंक्शन पाइथन में काम करता है। ओके,
all three methods accept function as an argument, when first argument, and then next it will accept iterable as a second argument, right? And accordingly, filter method busts true and false condition checker by true and false. If it is true, if this statement is going to give you the result of true, it will return that value in the x. Otherwise, it will skip that value. तो इस तरह से फिल्टर मतलब फिल्टर कंडीशनल बेस्ड रेंडरिंग के लिए यूज किया जाता है, मतलब रिटर्न वैल्यू रहने के लिए, या फिर हम कह सकते हैं रिड्यूस। रिड्यूस में यहाँ पे हमें बस एक सिंगल वैल्यू रिटर्न मिलता है, रिड्यूस होके मतलब, रिड्यूस होके मतलब कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करके, और हमें मैप में एक लिस्ट रिटर्न होता है, जो भी फंक्शन है उसका एवरी ऑब्जेक्ट पे जो भी फंक्शन लिखा है उस अकॉर्डिंग टू ऑपरेशन परफॉर्म करके हमें एक लिस्ट रिटर्न होता है। तो इस तरह से पाइथन में थ्री मेथड्स काम करते हैं ना, मैप, रिड्यूस एंड फिल्टर। तो यही भी रुकते हैं, और आपको बस वेबचाम चैनल को सब्सक्राइब करना है।